भला आदमी कौन है? भला आदमी है राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, बेसिकली वो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे प्राइम मिनिस्टर, उनकी उनकी ग्रैंड मदर थी प्राइम मिनिस्टर, फादर थे प्राइम मिनिस्टर, अच्छे अच्छे आदमी हैं, अच्छा बातचीत करते हैं। अभी हमने देखा जस्ट थोड़े दिन पहले स्टैनफोर्ड में लेक्चर दिए, बहुत ही मेजर्ड ढंग से बड़ा अच्छा बातचीत किए, वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वहां भी बहुत अच्छा बात किए। तो उसके पहले जो है सबसे अनयूजुअल चीज अपने करियर का उन्होंने किया वो था भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो उस सब में जो है नजर आया कि एक सुलझा अच्छा मनुष्य जो अच्छा करना चाहता है, गरीबी को दूर करना चाहता है। हमेशा बात करते हैं वेलफेयर का, इनइक्वालिटी हटाऊंगा, गरीबी दूर करूंगा, या बात करते हैं कि करप्शन जो है वो, नाम लेते हैं अडानी जी का या अंबानी जी का, ये बीजेपी से बड़े क्लोज हैं या प्रधानमंत्री से बड़े क्लोज हैं। उनका जो एंटायर फोकस है ना वो कंप्लीटली वेलफेयर ओरिएंटेड है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लेफ्ट लिबरल पॉलिसी, और अच्छे आदमी हैं। बट उनके साथ दिक्कत क्या है कि एक चुनाव पिछले बार हार गए थे, अभी जो है उनका सीट उनके हाथ से निकल गया, वो चतुराई उनमें नहीं है, वो चाणक्य की जो नीति होती है उसको वो समझते नहीं है, बीजेपी का जो साम दंड भेद होता है एक साथ उससे वो लड़ नहीं पाएंगे। तो उस वैसा कौन सा व्यक्ति है, मैं कहूंगा मेरे समझ से, जो भी मेरा समझ है राजनीति का, वो आदमी है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। क्यों है चतुर? वो एक ऐसा आदमी, बिहार कहते हैं कि बिहार में जाति प्रथा है, जाति पर वोट होता है, एक वो आदमी जो सिर्फ 2% या 3% जिसके कास्ट का वोट हो, और वो 17 साल से 18 साल से 3 टर्म के ऊपर मुख्यमंत्री रह चुका है, और वो हर तरह का हथकंडा करता है मुख्यमंत्री रहने के लिए। मान लीजिए एक बार भाजपा के साथ, फिर एक बार लालू जी के साथ, एक बार भाजपा के साथ, अब कांग्रेस के साथ, आज सारे देश में सारे ऑपोजिशन लीडर्स को साथ ला रहे हैं नीतीश कुमार। तो उसके लिए चतुर बनना बहुत जरूरी है, उसके अंग्रेजी में कहते हैं सर्वाइवर। तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार पहले बहुत ही अच्छे सर्वाइवर हैं, बहुत मजे में खिलाड़ी हैं, 6-7 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स भारत के, जब रेल मंत्री थे तो उनकी बड़ी बहुत ही बड़ाई होता था बीजेपी सर्कल्स में भी अदरवाइज भी। कम बोलते हैं, बड़ा जरूरी है चतुर होने के लिए। जैसे ममता हैं, बड़ी तेज हैं, अच्छी लीडर हैं, बहुत ज्यादा बोलती हैं तो वो हेल्प नहीं करता है। नीतीश जी गंभीर हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, उनको एक विजन है। बिहार में जो 15 साल रहे तो गवर्नेंस उन्होंने कुछ किया है। हो सकता है कोई डिबेट करे कि भाई जो फर्स्ट 5 ईयर्स में किए वो आज नहीं किए हैं, बट साथ ही साथ एक अच्छे गवर्नेंस हीरो हैं। और सबसे उनके साथ क्या है, उनके साथ जो एक फैक्टर अभी नजर आ रहा है जब से वो बीजेपी के तरफ से कूद के इधर आए हैं, एक एक्सेप्टेबिलिटी है। देखिए ममता तैयार नहीं थी कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए या राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने के लिए, अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं थे, अखिलेश यादव तैयार नहीं थे, बट ये लोग सबको जो है वो 23 तारीख को पटना में ला रहे हैं। अभी राहुल गांधी का कॉन्फर्मेशन आया है कि वो भी ज्वाइन करेंगे। तो नीतीश जी का ये जो है ना कि जो उनका एनिमी है उसको भी वो जीत लेते हैं, चार्म से कहिए, प्रेम से कहिए, और फिर उसको यूज भी कर लेते हैं। तो मैं इसलिए कहूंगा, डिबेट तो आगे होगा, पर मैं कहूंगा कि सबसे चतुर चाणक्य यदि कोई है तो नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी को चंद्रगुप्त बनाएंगे, ये देखा, ये हमें पता चलेगा 2024।